नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सरोजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तुला राशि के जुलाई 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस राशिफल के अंदर हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह माह, उनके धन संबंधित बातों को लेकर, उनके कार्य क्षेत्र को लेकर, उनके भाग्य को लेकर, लाभ की स्थिति को लेकर, सप्तम भाव यानी आपके बिजनेस और पारिवारिक स्थिति को लेकर। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खुश जीवन राशिफल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आइए जानते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कारक ग्रहों की बात कर लेते हैं। शुक्र, शनि और बुध कारक ग्रह हैं जिनके अंदर से दो ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जो है मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में मध्य भाव में प्रवेश करेंगे। बुध जो है मिथुन से निकलकर कर्क में और कर्क से निकलकर सिंह राशि के अंदर प्रस्थान करने वाले हैं। शुक्र भी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रस्थान करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है सिंह राशि की स्थिति, क्योंकि सूर्य का और शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश, सिंह राशि आती है लाभ भाव में। सूर्य और शुक्र दोनों लाभ के अंदर जाएंगे तो लाभ भाव के स्वामी, लाभ में आपके राशि स्वामी चंद्र लग्न के स्वामी भी लाभ में। लाभ की स्थिति है तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना, यानी किसी भी कार्य संबंधित अगर मैं बात करूं, क्योंकि दशाएं अगर सपोर्ट कर रही हैं आपके कार्यक्षेत्र को लेकर तो कार्यक्षेत्र से लाभ है। अगर दशाएं आपको सपोर्ट करती हैं पारिवारिक स्थिति को लेकर तो पारिवारिक स्थिति से लाभ रहने वाला है। अगर दशाएं धन से संबंधित बातों को सपोर्ट करती हैं तो धन संबंधित लाभ प्राप्त होने वाला है। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से लेकर। शुक्र बनते हैं राशि स्वामी तुला राशि वालों के लिए, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ है। राशि स्वामी का दशम से और दशमेश का राशि स्वामी राशि के ऊपर से गोचर करना आपके करियर में सफलता और ऊंचाई दिखाता है। शुक्र लाभ भाव के अंदर भी गोचर करेंगे यानी राशि परिवर्तन करेंगे, तो कुल मिलाकर राशि स्वामी का दशम और एकादश दोनों भावों से गोचर करना आपके करियर के अंदर तुला राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते। धन की बात करते हैं, धन संबंधित बातों की बात करते हैं। मंगल बनते हैं धन संबंधित बातों के स्वामी, सप्तम के स्वामी भी बनते हैं। अगर बात करें धन के स्वामी का, लाभ भाव में गोचर हो रहा है, धन संबंधित बातों के लिए शुभ है। अपने मित्र की राशि में है, सिंह राशि में है, तो और भी यहाँ पर लाभ यानी शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। पूरे माह के अंदर मंगल लाभ भाव के अंदर ही रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण गोचर है तुला जो है तुला राशि वालों के लिए। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, शनि बनते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, पंचम में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, हालांकि अपनी ही राशि में है, कुंभ राशि में है, तो चतुर्थ और पंचम के स्वामी यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी शनिदेव होते हुए आपको यहाँ पर पंचम भाव संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति, यानी अगर मैं बात करूँ पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, शनि अपने भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो संतान संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति, या मैं कहूँ जिनकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जातक हैं उनके लिए भी यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति देखने को मिलेगी, कि शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। अगर बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की तो सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ना है, यानी आपके लाइफ पार्टनर से लेकर आपके पार्टनर बिजनेस पार्टनर से लेकर भी आपको थोड़ी सी परेशानी पूर्वक रह सकती है। सप्तम के स्वामी की बात कर लेते हैं और हम बात करेंगे सप्तम भाव के अंदर कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं। गुरु और राहु चांडाल योग सप्तम भाव के अंदर बना हुआ है। गुरु राहु की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में आपके लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ी सी परेशानी मनमुटाव देखने को अवश्य मिल सकता है। गुरु राहु की युति चांडाल योग का निर्माण करती है। यहाँ पर मंगल सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल की स्थिति की बात करें, मंगल यहाँ पर लाभ भाव में है, गुरु की दृष्टि भी है, मिलाकर गुरु यहाँ पर छठे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है। कारक ग्रह नहीं है, अच्छे प्लैनेट नहीं माने गए, तो यह स्थिति थोड़ी सी परेशानी पूर्वक आपके लाइफ पार्टनर संबंधित बातों को लेकर देखने को मिल सकती है। भाग्य की बात कर लेते हैं, भाग्य के स्वामी बनते हैं यहाँ पर बुध देव, जो कि नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। नवमेश का नवम भाव में सूर्य के साथ में लाभ भाव के अंदर गोचर करना डबल या राजयोग का निर्माण करता है। सूर्य और बुध नवम भाव में, नवमेश का नवम भाव में, एकादशेश का नवम भाव में गोचर, भाग्य से वृद्धि, भाग्य से लाभ देखने को मिलेगा। दोनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे मिथुन से निकलकर इसी माह के अंदर कर्क में दशम भाव में, यानी नवमेश का दशम में और लाभेश का दशम में। पूरा माह आपके लिए शुभ फलदायी है, जुलाई 2023 माह यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि नवमेश का संबंध नवम भाव में और लाभेश का भी जो है आपके नाइन्थ हाउस में गोचर हो रहा है, तो गोचर अच्छा है।
राजयोग कारक है। जब गोचर राशि परिवर्तन होगा तो भी यह गोचर राजयोग कारक है, क्योंकि नवमेश का दशम और एकादशेश का दशम से संबंध बन रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें धन संबंधित बातों के लिए, शुभ फलदायी है, कार्यक्षेत्र भी अच्छा है, बिजनेस को लेकर थोड़ी सी परेशानी, लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी, हायर एजुकेशन, संतान संबंधित और मकान संबंधित बातों के लिए गोचर शुभ फलदायी है। धन्यवाद।